देखिए क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, इसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, उन्होंने वो आपसे पूछेंगे क्या कि सॉल्यूशन सेट पूछ सकते हैं वो आपसे, ठीक है, कि आप सॉल्यूशन सेट बताइए इस इनइक्वालिटी का, पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेट बताइए। और जैसे कि स्पेसिमेन पेपर में है कि आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, उन्होंने एक तरीके से इनइक्वालिटी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, करेक्ट कौन सी है बस वो पता करना है हमें, करेक्ट क्या है इनइक्वालिटी वो हमें पता करनी है, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, सॉल्व द इनइक्वेशन 12 प्लस 1 राइट 5 बाय 6 ऑफ x लेस देन और इक्वल 5 प्लस 3x एंड x इज व्हाट, x बहुत मायने रखता है यहाँ पर, x क्या है बेटा, x इज अ रियल नंबर है, x आपका क्या है रियल नंबर। तो यहाँ पर अगर हम सिंपल देखें तो इनइक्वालिटी केवल एक ही जगह पर है ना, यहाँ पे कोई और थर्ड टर्म नहीं है, ठीक है। तो सिंपल अब तो बहुत आसान हो गया इसके लिए, अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 प्लस 1 राइट 5 बाई 6 ऑफ x लेस देन और इक्वल 5 प्लस 3x, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे हैं, अब इनमें से हमें कोई एक देखना है कौन सा करेक्ट है, सॉल्यूशन सेट दिया गया है और नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि दो चीजें इसमें पूछी गई हैं, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, पहली बात तो सॉल्यूशन सेट निकालिए, फिर उस सॉल्यूशन सेट को कहां रिप्रेजेंट करिए, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, ये नंबर लाइन भी है सॉल्यूशन सेट भी, अब करेक्ट कौन सा है वो हमें देखना है। बट उसके लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन सेट के लिए हमें तो वैल्यूज ऑफ एक्स देखते हैं ना, एक्स की वैल्यूज क्या निकल रही है विद द इनइक्वालिटीज, चलिए देखते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हो हम लोग, 12 प्लस 6 बन जा 6, 6 प्लस 5 11, 11 अपॉन 6 ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल 5 प्लस 3x, क्लियर है। कॉन्स्टेंट्स अगर हम देखें और वेरिएबल देखें, वैसे तो जो इन इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है हमें तो एमसीक्यू करना है ना, हम उतना ज्यादा नहीं करेंगे, हम सबट्रैक्ट सीधा डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है, कॉन्स्टेंट को एक तरफ रखते हैं, वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं, और ज्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वेरिएबल देखते हैं किधर है, 11 अपॉन 6 ऑफ x और यहां पर क्या है 3x, तो किसको किधर ले जाना चाहते हो वो तुम बता दो, 3x को इधर, अच्छा ठीक है 3x को करते हैं इस साइड, तो अभी तो 3x कैसा है पॉजिटिव है, वैसे जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्चुअल अगर हम करते हैं तो हम क्या करेंगे, वी विल सबट्रैक्ट 3x ऑन बोथ साइड, है ना, 3x को हम क्या करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं, मगर यहां पर सीधा आप क्या करिए ट्रांसपोज करिए, क्योंकि आपको तो एमसीक्यू में सॉल्व करना है, तो ये कितना हो जाएगा 11 अपॉन 6 एक्स माइनस 3x, इनइक्वालिटी का साइन अभी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, लेस देन, हाँ 5, कॉन्स्टेंट क्या है 12, इसको ट्रांसपोज करिए क्या हो जाएगा माइनस 12, 5 माइनस 12 इज माइनस 7 एंड हियर इज टेक द एलसीएम, व्हाट इज द एलसीएम हियर 6 एंड दिस वन इज 6 डिवाइडेड बाई 6 इज 1 एंड 1 विल बी मल्टीप्लाई विद द 11x, तो क्या मिलेगा 11x एंड माइनस 6 डिवाइडेड बाई 1 6 एंड 6 3 जा 18x एंड अपॉन कर लीजिए यहाँ पे 1, कोई इशू नहीं है, चलिए तो 11x माइनस 18x माइनस 7x अपॉन 6 लेस देन और इक्वल माइनस 7 अपॉन 1, तो जिसकी डिमांड है वही हमारे पास है, है ना, क्या है दोनों इनइक्वालिटीज में अगर हम देखें तो हमारी क्या नेगेटिव है, तो अब हम इस कंडीशन में हम क्या वी कैन मल्टीप्लाई नेगेटिव 1 और वी कैन डिवाइड नेगेटिव 1, अब आप बताइए यहां पे आप क्या करना पसंद करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो माइनस 1 से तो उस कंडीशन में क्या होगा इनइक्वालिटी साइन विल बी चेंज, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, वो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें ये चीज जरूर होना ही होना है, डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको, आप जितने भी सैंपल पेपर देख लीजिए उसमें ये चीज जरूर दी हुई है, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहां पर क्या मिलेगा माइनस 1 मल्टीप्लाई विद द माइनस 7x अपॉन 6 एंड दैट साइन इज चेंज, नाउ चेंज हो गया दिखा, सो इट इज माइनस 1 इंटू माइनस 7 अपॉन 1, माइनस 1 इंटू माइनस, तो जो भी रिजल्ट है वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे, क्या मिलेगा 7x अपॉन 6 इट इज ग्रेटर देन नेगेटिव 1 मल्टीप्लाई विद द नेगेटिव 7 इट इज 7 अपॉन 1, ठीक है। अब एक बात बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए 7x मल्टीप्लाई विद द 1 तो 7x ठीक है ग्रेटर देन और इक्वल 7 6 42 सही है, किससे डिवाइड किया जाए 7,
सो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल 42 अपॉन 7। तो रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें, एक्स की क्या कंडीशन मिल रही है हमें, मिल रहा है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल 6, बिकॉज 7 6 42, मिला 6। चलिए कौन सा सही है, कहां किस कंडीशन में एक्स ग्रेटर देन 6, फर्स्ट में ही सही है। तो अब आपको ये नंबर लाइन चेक करने की क्या जरूरत है, नहीं है कोई जरूरत, आप डायरेक्ट आप समझ गए ना, और तो सारे रॉन्ग हैं ऑप्शंस, केवल ऊपर वाला सही है। अब इसके लिए थोड़ा सा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। अब x इज ग्रेटर देन और इक्वल 6 लिखा है, इनइक्वालिटी के साथ इक्वालिटी इन्वॉल्व है, तो डायरेक्ट सर्किल कैसा होगा, डार्क होगा, और साथ ही साथ इसकी जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज ऑफ x कैसी होंगी, दे शुड बी ग्रेटर देन 6, वो कैसी होगी, नंबर एक तो इक्वल है ही, और इक्वल किस वजह से, क्योंकि डार्क सर्किल ऑलरेडी इसी वजह से लगा है, है ना, एंड ग्रेटर देन और इक्वल मींस वैल्यू इज 6 7 8 9, और वो तो पॉइंट वाली वैल्यूज भी होंगी अप टू इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट ये सारी वैल्यूज हैं, इसकी वजह से यहाँ पर हम लोगों ने इसको डार्क किया हुआ है। ये बात क्लियर होगी, तो ये है आंसर इसका।